दिखा रहा हूँ कि नगर में आज 132वीं जन्म जयंती बाबा भीमराव अंबेडकर भारत रत्न की जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है उसमें हम आपको बताना चाहेंगे। डॉक्टर आरिफ प्रधान जो नगर के प्रधान है, पंचायत समिति के प्रधान है, वो आज पानी पिला रहे हैं। जो यात्री यहाँ से गुजर रहे हैं उनके लिए पानी और पुष्प वर्षा की गई है। और उसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे, मेरे साथ लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी, जो पानी और पुष्प वर्षा की जा रही है वो किसकी ओर से? प्रधान की, पंचायत समिति प्रधान, प्रधान आरिफ की ओर से है। क्या कहेंगे इस पे आप? जनता को पानी पिला रहे हैं। चलिए आप बताइए जी, जन्म जयंती पर, 132वीं जन्म जयंती पर जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है उसके लिए पानी की व्यवस्था की गई है, बहुत ही वाकई में अच्छा काम किया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये आरिफ खान डॉक्टर जी ने किया हुआ है। मैं बबली खान पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 12 से, उसका भाई प्रधान जी का। ये बाबा भीमराव अंबेडकर के उपलक्ष्य में, जयंती के उपलक्ष्य में एक पानी की व्यवस्था, स्वागत की कार्यक्रम करा गया मुस्लिम समाज तरफ से, मुस्लिम समाज की ओर से, आरिफ प्रधान की ओर से की गई। चलिए मुद्दीन जी, क्या अपने विचार रखने चाहेंगे? जिस तरह लगातार देखा जा रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग हैं, चाहे सीकरी की बात करें या फिर आज नगर की बात करें, ये तो एक किसी धर्म विशेष की नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं जो पानी पिलाने का काम किया गया है वाकई में बहुत अच्छा है। इस टाइप आज हमारे बाबा अम्बेडकर बाबा साहब के 132वें जन्मदिन पर जो मुस्लिम समाज की तरफ से पानी पिलाकर हमने जनता का दिल जीता, स्वागत किया, और हमें बहुत खुशी है। और ये हमारी मेप सराय पुरानी इमारत है, इसमें हमने मेप समाज की तरफ से हमने पानी पिलाकर लगातार जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं हम आपको दिखा रहे हैं। आज हम नगर कस्बे में हैं, नगर कस्बे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यात्रियों के लिए पानी, जल, उसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे पुष्प वर्षा की जा रही है। ये डॉक्टर आरिफ प्रधान की ओर से, इस पे आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग आज बाबा साहब भीमराव और पानी पिला रहे हैं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं सालगिरह थी, जिसके उपलक्ष्य में सभी नगर वासियों ने यहाँ मिलकर पर अपने समाज के तहत में सब लोगों ने पानी की पिलाने की व्यवस्था की, जिसके डॉक्टर आरिफ खान प्रधान के द्वारा इधर ये जो मेपसरा है इधर मुसलमान धर्म के द्वारा चलाई गई। पर भीमराव अंबेडकर अपने जो बाबा साहब है उन्होंने एक तबके को ऐसा नहीं है कि सब कुछ दिया, सारे तबकों को बराबर रखते हुए, हर समाज के वर्ग को रखते हुए अपने साथ लेके चले। हर किसी के जैसे जातिगत आधार पर सबको, ऐसा नहीं कि कोई दूसरी जाति का या जनरल जाति का किसी को मतलब हक मार के उनका अलग से आरक्षण दिया गया, जो वाकई में ही आरक्षण को तहत जिनको मिलना चाहिए था उनको बराबरी में बांटकर भीमराव अंबेडकर ने भारत देश के लिए और सब समाजों के लिए एक तरफा करने के लिए ये उठाया कदम। पर आजकल देखा जा रहा है कि हमारे जैसे नदवे क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई है, कल परसों की घटना है, जिसमें जो बहुत ही निंदनीय, मैं अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ, बहुत ही निंदनीय घटना थी। वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए था कि वो हमारे देश के सर्वप्रथम जो कहते हैं कानून व्यवस्था को जो बनाने वाले और जो हमारे भारत का संविधान जिन्होंने लिखा उसकी प्रतिमा को जो महापुरुषों में गिने जाते हैं उनकी प्रतिमा को ना लगने देने की बजाय, हमारा सूरज मल का भी हम मान सम्मान करते हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, वाकई में ही उनका जलवा है, यहाँ भरतपुर क्षेत्र में पूरा हुआ है, वो महाराष्ट्रीय है, पर एक महापुरुष का ऐसे समय अपमान कर एक समाज को दबाया जा रहा है जो बिल्कुल ही निंदनीय और बहुत हुआ है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो आज बाबा साहब का हमारी जो 132वीं जयंती जो बनाई गई, जो हमारे नगर इधर सब समाज ने, ऐसा नहीं एक समाज ने, मुसलमान समाज है और वर्ग समाज है, सैनिक समाज है, सारे अपने जैसे कि धोबी घाट सभी आते हैं, जाट समाज के द्वारा आज जो रैली निकाली गई, जो भव्य रैली हमारे नगर कस्बे में निकाली गई, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए हम आपको बताना चाहेंगे, जय भीम, लगातार लोग जो है वो हमसे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे आज नगर में भव्य यात्रा, 132वीं जन्म जयंती पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि एक भव्य यात्रा रही, और वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि जाटो समाज से होकर दीप चुंगी और मुख्य बाजार से होकर जलेबी चौक और इंदिरा सर्किल से होते हुए जाटो समाज अजमेर पहुंचकर उसको यूं कहें कि जो इसकी शुरुआत की गई थी वो जाटो समाज से की गई थी, और जो ले जाकर पूरे बाजार से होते हुए इंदिरा सर्किल से लेकर जो है अभी जन्म जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आप लगातार हमारे साथ देख रहे हैं, तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, नगर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर शोभा यात्रा में जन सैलाब, जनता का उमड़ा है, लगातार आप देख रहे हैं कि तस्वीरें आपके सामने है। कैमरा पर्सन साबिर के साथ धन्यवाद। महंगाई के दौर में मकान बनाना हो गया है मुश्किल, चलिए हम आपको सस्ते दामों में मकान बनवाते हैं।
जब भी आप घर मकान बनाओ तो AMK मार का ईंट ही खरीदना। कम लागत और कम ईंटें लगेंगी, पैसों की होगी बचत और आपके मकान को देगी मजबूती। AMK मार का ईंट खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।